दोस्तों आज हम आपको करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन के लव अफेयर के बारे में कुछ बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इससे पहले अगर आप भी करिश्मा कपूर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कि किस तरह से अभिषेक बच्चन ने करिश्मा कपूर को कर दिया था प्रपोज, ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों करिश्मा कपूर ने अपने दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि अभिषेक बच्चन ने उन्हें अचानक से ही प्रपोज कर दिया था। अभिषेक ने उनके सामने एक चमचमाती हीरे की अंगूठी रखी और घुटने के बल बैठकर करिश्मा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि करिश्मा अभिषेक को मना ही नहीं कर सकी थी। करिश्मा को लगा कि उन्हें एक सही जीवन साथी मिल गया है, उन्हें बच्चन परिवार से अच्छी फैमिली मिल ही नहीं सकती है, और दोनों साथ में बेहद खुश थे और सगाई भी हो गई थी। लेकिन एक दिन अचानक से दोनों ने अपनी सगाई तोड़ दी। अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी असली वजह तो करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन ने आज तक किसी को नहीं बताई है। हालांकि इसके पीछे का कारण करिश्मा कपूर की मां नीतू कपूर को बताया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करिश्मा कपूर की मां नीतू कपूर ने अभिषेक बच्चन के पिता अमिताभ बच्चन के सामने एक शर्त रखी थी। वे चाहती थी कि अमिताभ बच्चन अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अभिषेक बच्चन के नाम कर दे, ताकि उनकी बेटी करिश्मा कपूर के पास एक सुरक्षित भविष्य हो जाए। दरअसल उस दौरान अभिषेक बच्चन का करियर कोई खास नहीं चल रहा था। ऐसे में नीतू कपूर ने अपनी बेटी के भविष्य की चिंता की। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इस शर्त को मानने से साफ साफ मना कर दिया था। और एक खबर तो ये भी उड़ी थी कि बच्चन परिवार ने करिश्मा से कहा था कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम नहीं करेगी। इस पर मां नीतू भी नाराज हुई थी। उन दिनों करिश्मा का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, बस यही कारण है कि दोनों की शादी नहीं हो पाई और सगाई भी टूट गई। उधर जया बच्चन ने यह भी कहा था कि इस शादी को ना करने का पूरा निर्णय अभिषेक बच्चन का था। वहीं करिश्मा कपूर की मम्मी नीतू कपूर का मीडिया से कहना था कि उन्हें भी नहीं पता कि क्या गलत हुआ कि ये दोनों अलग हो गए। अब असल सच्चाई क्या है, इस बात का तो पता अभी तक किसी को नहीं चल पाया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के प्यार की शुरुआत श्वेता बच्चन और निखिल नंदा राज कपूर की बेटी के लड़के की शादी से हुई थी। इस दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और इनके बीच में प्यार भी हो गया था। तो दोस्तों अगर आज अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की शादी हो जाती तो इनकी ये जोड़ी देखने में कैसी लगती, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बॉलीवुड की ऐसी ही चटपटी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।